अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल यूसुफ मॉम्स लाइफ इन यूके। तो जी कैसे हैं सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग है थोड़ा सा स्पेशल, तो आगे चल के पता चलेगा आपको कि क्यों स्पेशल है। तो जी यूसुफ जो हैं वो माशाल्लाह से स्कूल जा रहे हैं और उनका है कल फर्स्ट डे स्कूल में। तो हम यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए हैं यूसुफ के स्कूल की, और यहाँ पर जो है वो हम लोग शूज़ जो है वो यूसुफ का ले रहे हैं। काफ़ी अच्छी ऑफर थी यहाँ डैचिनियम में, और यहाँ पर एक शूज़ लेने पर जो नेक्स्ट शूज़ है वो हाफ़ प्राइस पे था। तो यूसुफ काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको पता है कि कल उनका स्कूल में पहला दिन है। तो यहाँ से जो है वो शूज़ लेने के बाद फिर हम लोग जो है वो यूनिफॉर्म के लिए भी जाएंगे। तो जी समर वेकेशन तो कैसे शुरू हुई और ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। 6 वीक समर वेकेशन के बहुत तेज़ी से जो है वो गुजर गए हैं, लेकिन कुछ यादें और कुछ क्लिप्स अभी आपके साथ समर वेकेशन के शेयर करने हैं। तो यूसुफ का फ़र्स्ट डे स्कूल का हो जाए तो फिर मैं आपके साथ वो तमाम व्लॉग भी शेयर करूँगी जिस तरह से हमने जो है वो समर वेकेशंस को इंजॉय किया। तो चलिए जी, यहाँ पर जो है वो यूसुफ का शूज़ जो है वो फाइनल हो गया था, और फिर अब हमें जो है वो यूनिफॉर्म के लिए जाना था, और वहाँ पे जो है वो एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा जो है वो रश था। अब चलते हैं यूनिफॉर्म शॉप में, लेकिन उससे पहले ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूसुफ जो हैं वो यहाँ एक्सचेंज में आएँ और वो जो है वो इस कार में ना बैठें। तो इन्होंने थोड़ी देर यहाँ पर इंजॉय किया, और इसके बाद जो है जब हम यूनिफॉर्म शॉप पर गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी जो है वो क्यू लगी हुई थी। लेकिन बहरहाल वहाँ क्यू में लगना तो ज़रूरी था क्योंकि यूनिफॉर्म लेना था। तो कुछ चीज़ें जो हमने स्कूल के हवाले से लेनी थी वो हमने स्कूल शॉप से ली थी लुसीला से, और बाकी चीज़ें जो है वो हमें मार्क स्पेंसर से लेनी थी। और क्योंकि स्कूल जाना था तो यूसुफ और आदिल के बाल जो थे वो हेयर कटिंग वगैरह भी ज़रूरी थी, तो फिर हम लोगों ने बीच में हेयर कटिंग का काम जो है वो भी निपटा लिया था। और हम यहाँ पर अब स्कूल शॉप के बाहर थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमसे पहले ही 50 लोग क्यू में मौजूद हैं। तो बहरहाल किसी तरीके से हमारा भी जो है वो नंबर आ गया था, और फिर हम लोग वहाँ पे गए और यूसुफ के जो है वो स्कूल के यूनिफॉर्म को मेजर किया कि कौन सा साइज़ वग़ैरह सही है। जो है वो साइज़ वग़ैरह की काफ़ी शॉर्टेज थी क्योंकि बहुत मुश्किल से जो है वो साइज़ सही मिला है, क्योंकि 4 to 5 और 5 to 6 जो है उसमें बीच का साइज़ यूसुफ का हो रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें हमें जो है वो बाद में हमें ऑर्डर करनी पड़ी जो हमें बाद में मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है हमें जिन चीज़ों की अभी ज़रूरत थी वो हमें यहाँ शॉप से मिल गई थी। तो तकरीबन हमारी शॉपिंग यहाँ से जो हमने चीज़ें लेनी थी वो हो गई थी। अब इसके बाद जो है वो हमें एक दो चीज़ें जो एक्स्ट्रा ट्राउज़र और शर्ट्स वग़ैरह हैं वो मार्क्स एंड स्पेंसर से लेनी थी। तो अभी हम लोग आपको घर में जाके दिखाएंगे शॉपिंग यूसुफ की यूनिफॉर्म वगैरह की, कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली हैं डिटेल में। और फिर जब बंदा शॉपिंग के लिए निकलता है तो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा वगैरह भी यूसुफ के लिए नज़र आ गई थी, तो फिर हमने वो सारी चीज़ें जो भी हैं ले ली हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ से जो है वो यूसुफ के 2 प्रॉपर स्कूल के जंपर लिए हैं, इसके अलावा 2 ट्राउज़र्स लिए हैं, और ये सारा सामान जो है वो बाकी हमने मार्क स्पेंसर से लिया था एक्स्ट्रा जो हमने लेना था। इसके अलावा सॉक्स लिए थे और नाइट सूट्स यूसुफ के लिए हमने वहाँ से, और एक दो टी शर्ट्स वगैरह अच्छी मिल गई थी, तो वो सारी चीज़ें हमने ली थी।
तो जी ये थी यूसुफ़ की शॉपिंग, और ये है यूसुफ़ का जो है वो पीई के लिए जो है वो ट्राउज़र है, ये शर्ट है, इसकी टी शर्ट है वहाँ की स्कूल की। और इसके अलावा जो है ये मैंने यूसुफ़ के लिए नाइट सूट लिया है एनिमल वाला। इसके अलावा ये स्कूल का यूसुफ़ का स्कूल बैग है, ये स्कूल की जंपर है दोनों, जिसके ऊपर स्कूल का मोनोग्राम लगा हुआ है। इसके बाद जो है ये हैं ट्राउज़र यूसुफ़ के, जो मैंने डिफरेंट जो है वो उसके लिए साइज़ के, ताकि जो है वो छोटे साइज़ अभी यूज़ हो जाए, उसके बाद बड़ा साइज़ जो है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके बाद ये टाई जो है वो मुझे अच्छे प्राइस पे मिल रही थी, तो आगे जो है वो शादी वगैरह तो उसके लिए मैंने जो है वो ये टाई ली है H&M से। और ये मार्क एंड स्पेंसर्स की जो है वो शर्ट्स हैं। इसके अलावा ये मुझे अच्छी लगी थी, ये भी सेल में थी तो मैंने क्रिसमस के हवाले से ले ली, क्योंकि फिर क्रिसमस में ढूंढना पड़ता है। तो इसके अलावा जो है वो ये सारी शॉपिंग है। इसके अलावा यूसुफ़ के जो है वो नेम का टैग वगैरह लगाना है, उसके लिए भी जो है वो मुझे जो है वो तैयारी करनी है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें देखने में यूसुफ़ काफ़ी एक्साइटेड हो रहा है, हर चीज़ को उसने जो है वो पहन पहन के देखा है, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि कल वो स्कूल का फर्स्ट डे जो है वो अपना इन्जॉय करेगा। इसके बाद ये वाली शर्ट मुझे पसंद आई थी, इसके साथ भी टाई यूज़ हो सकती है, लेकिन इसके साथ पहले से ही बो टाई मौजूद है, तो ये भी काफ़ी अच्छी प्राइस में H&M में थी, तो मैंने ये भी बाय कर ली, क्योंकि जब ढूंढो तो फिर वो जिस तरह से हम चीज़ ढूंढ रहे थे मिल नहीं रही होती है। तो अभी जो है वही सारी चीज़ें मुझे अच्छे प्राइस पर मिल गई थी यहाँ से। ये है बैग ये सब का, और इसके बाद इसमें जो है वो बुक्स वगैरह नहीं रखी हैं, तो ये भी मैंने वहीं से लिया है स्कूल शॉप से ही। और इसके अलावा जो ये जो है वो ऑनलाइन जो है वो नेम के टैग मंगवाए थे, तो ये वो है। तो ये सब मैं यूसुफ की शर्ट्स वगैरह पे और जंपर पे जो है वो स्टिच करूँगी। अच्छा जी, अब जो है वो नेक्स्ट डे था और यूसुफ को आज जाना था स्कूल। गुड मॉर्निंग यूसुफ, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। अच्छे से मोजे पहनेगा यूसुफ, ये शूज और ये मोजे। हाँ यूसुफ, तो जी ये था यूसुफ़ का स्कूल, और यूसुफ़ का स्कूल जो है वो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और हम तकरीबन 5 to 10 minutes में यहाँ पहुँच गए थे। इसके बाद हमें जाना है अंदर, और अंदर जाके देखते हैं कि यूसुफ़ के क्या एक्सप्रेशन होते हैं फर्स्ट डे, स्कूल के फर्स्ट डे। तो जी चलते हैं फिर स्कूल के अंदर। यू हैप्पी? हाँ, इन अ न्यू स्कूल यू हैप्पी? हाथ दो आग से। Say bye bye, sir. Say bye bye. Okay, go, go. Don't waste your time. Bye bye. See you, Yusuf. Bye bye.
आ जाओ बेटा आ जाओ, चलो आ जाओ पार्क में। But not in school, you can't do that. पार्क में यूसुफ। तो आज तो यूसुफ का जो है वो सिर्फ 1 आवर का सेशन था, जस्ट टीचर से मीटिंग थी, प्ले एंड फन था। तो 1 घंटा तो बस यूं ही गुजर गया था। फिर हम लोग जो है वो यूसुफ को जाकर पिकअप किया था, वो घर आ गए थे। और यूसुफ यहाँ पर आकर जो है वो घर में अपने अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कर रहा था। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।